गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है मई 21, 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स आपके लिए लेके आए हूं। देखिए जैसा कि आप आज देख सकते हो आज नंबर ऑफ टॉपिक्स बहुत कम है क्योंकि काफी ज्यादा इररिलेवेंट स्टफ था आज द हिंदू न्यूज़पेपर में, लेकिन ठीक है उसमें से कुछ चीजें हम लोग करने वाले हैं। इसीलिए क्योंकि आज न्यूज कम है हम लोग आज दो एडिटोरियल करने वाले हैं और अच्छे खासे डिटेल में करने वाले हैं। पहला एडिटोरियल रहेगा नक्सलिज्म के बारे में कि नक्सलिज्म को लेकर सरकार के बीच में जो नेगोशिएशन होती है उनकी क्या डिमांड्स रहती हैं, पहले पास्ट में हम लोगों ने कैसे उनके साथ नेगोशिएशन किया था और क्यों वो नेगोशिएशन फेल रहती हैं, ये थोड़ा हम लोग देखने वाले हैं इस एडिटोरियल के अंदर। दूसरे एडिटोरियल में हम लोग ये देखेंगे कि जो इंडियन ओशन है या फिर आप कह लीजिए कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे सारी कई सारी कंट्री में काफी ज्यादा टर्मोइल चल रहा है ना। पाकिस्तान में देख लीजिए, श्रीलंका में, म्यांमार के अंदर, बांग्लादेश, नेपाल, हर जगह पे। तो इंडिया उससे क्या लेसन्स ले सकता है और इंडिया का यहाँ पे क्या रोल हो सकता है, तो ये देखने वाले हैं हम लोग दूसरे एडिटोरियल में। और यहाँ से हम एक्चुअली एक मेन्स के लिए आज आंसर भी लिखेंगे, तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो डेफिनेटली वहाँ पे आंसर भी लिख सकते हैं। उसके अलावा एक आर्टिकल रहेगा एफडीआई के बारे में, और क्योंकि इंडिया में भैया सबसे ज्यादा एफडीआई आई है जीएम क्रॉप के बारे में, ये बिल्कुल नया टॉपिक है हमारे सामने जीएम क्रॉप्स को लेके, क्योंकि सरकार ने कुछ रूल्स चेंज किए हैं तो इसको हम लोग थोड़ा देखने वाले हैं। डीलिमिटेशन कमीशन तो वो घिसा पिटा टॉपिक है, कोई ज्यादा इस पर हम लोग फोकस नहीं करने वाले हैं, लेकिन एक बार देख लेते हैं आज ब्रीफली फ्रंट पेज पे क्या क्या न्यूज है। फ्रंट पेज पे न्यूज वही है, पुरानी न्यूज है जो इसे जो है पेगासस के बारे में, है ना, स्पाईवेयर पेगासस आपको पता ही है वो इसराइल से ओरिजिनेट हुआ था, उसके बाद कई सारे लोगों के ऊपर सरकार ने यहाँ पे सर्विलियंस किया था, वो सारी की सारी चीजें, तो उसके लिए कमेटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में और उसने अभी रिपोर्ट पेश करने के लिए थोड़ा सा समय और मांगा है। तो थोड़ा बहुत आप इस न्यूज के बारे में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, पुरानी न्यूज है, 6 महीने पहले से ज्यादा ये न्यूज में थी, कुछ खास नहीं है। ज्ञानवा भी केस सेंड टू द डिस्ट्रिक्ट जज, तो ये भी कोई अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसके बारे में हम लोग काफी अच्छा खासा कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट पैनल इंडिक्स तेलंगाना पुलिस, तो तेलंगाना पुलिस में मतलब जैसे वहां पे जो एक रेप केस हुआ था जिसमें 4 लोगों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया था और ये कहा था कि जब हम लोग इनको लेके जा रहे थे साइट पे इन्होंने हमारी बंदूकें छीन ली और इन्होंने हमारे ऊपर गोलियां चलाई जिसके जवाब में पुलिस ने उनको मार दिया था। ये बहुत ही हाई प्रोफाइल और काफी कंट्रोवर्शियल केस रहा था, कहने की जरूरत नहीं है, सारी दुनिया को पता था कि उनको जानबूझ के मारा गया है, लेकिन भैया जो जुडिशियल चीजें होती हैं, जो पुलिस कार्रवाई हो तो वो अपने हिसाब से होती है। तो अभी जो है उसकी रिपोर्ट वगैरह पेश की गई है जिसमें ये कहा गया उस रिपोर्ट में कि ये एनकाउंटर था और ये फेक एनकाउंटर था और गलत तरीके से उनको मारा गया। तो इसमें देखना रहेगा सुप्रीम कोर्ट क्या इसके ऊपर पूरा डिसीजन लेता है। तो ये तो ऑब्वियस ही बात है कि जो ऑफिसर्स उसके अंदर इन्वॉल्व थे उनको तो सस्पेंड किया ही जाएगा, बाकी फर्द क्या कार्रवाई होती है वो थोड़ी देखने वाली रहेगी। एक आर्टिकल हमारे पास यहाँ एफडीआई के बारे में है, एफडीआई इनफ्लोज हाईएस्ट एवर 83.57 बिलियन, तो ये थोड़ा हम आर्टिकल अलग से देखेंगे, अलग से डिटेल में हम लोग आपको यहाँ पे करवाने वाले हैं। चलिए एक बार देखते हैं दोस्तों आज का पहला टॉपिक क्या है, लेकिन पहले टॉपिक पे जाने से पहले देख लेते हैं आज के दिन क्या हुआ था खास। आज के दिन हमारे देश के इतिहास में बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, इंदिरा गांधी जी का मर्डर हुआ था, उसके बाद उनके सुपुत्र जो राजीव गांधी जी थे इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे थे, वो 1991 में 21 मई को ही मतलब आज के ही दिन तमिलनाडु में ये इलेक्शन कैंपेनिंग में गए हुए थे जहां पे एक महिला थी जिसका नाम था धानु, उन्होंने जो है एक सुसाइड बॉम्बर थी और जो है उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया जिसमें राजीव गांधी जी के साथ साथ और भी 13-14 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें कई सारे लोगों को पकड़ा गया था बाद में, और नलिनी श्रीनिवासन जो कि इनके पार्टनर थे और संथान और परिवरलन, ये तो इनको अभी छोड़ा गया है बेल पे, है ना, आपको पता ही है, इनको रिलीज कर दिया गया बेसिकली, जी बेल पे भी नहीं रिलीज कर दिया गया, कितना ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहा आर्टिकल 161, गवर्नर प्रेसिडेंट, वो सारी सारी चीजें। तो इन 4 लोगों को फांसी की सजा हुई थी, बाकी कुछ लोगों को लाइफ इंप्रिजनमेंट मिला था और कुछ लोगों को रिलीज कर दिया गया था तुरंत के तुरंत। तो ये उस समय काफी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था और सुसाइड बॉम्ब पहली बार दुनिया में जो है सुसाइड बॉम्बिंग का कहा जाता है यूज किया गया था बाय, और वो लिट्टे के सपोर्टर थे एंड ऑल दैट। तो वो जो है आज एक काफी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, थोड़ा बहुत आपको जो है थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे जो ये लेडी है नलिनी, इनका रोल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा इसमें पूरे केस में, हालांकि इन्होंने कभी खुद एक्सेप्ट नहीं किया कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट उनका था, लेकिन देखिए ये जो ब्लास्ट से पहले, ये जस्ट पहले की फुटेज आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके तुरंत बाद जो है वो ब्लास्ट हो गया था, जैसे ही धानु इनके जो है यू नो पैर छूने की कोशिश की उन्होंने और तुरंत ब्लास्ट हो गया था। और ये जो जिस कैमरे वाले ने फोटो लिया था, एक्चुअली कैमरा वाले की डेथ हो गई थी उस ब्लास्ट में और उनके कैमरा से ही पता चला था नलिनी का रोल। तो ये एक अलग स्टोरी है, बिल्कुल फिल्मी टाइप का स्टोरी है, अगर आप पढ़ना चाहो तो गूगल वगैरह कर सकते हो, ठीक है।
बाद में कमीशन वगैरह बैठा, जैन कमीशन, उसने कई लोगों को जो है आरोप लगाए, करुणा रिधि के ऊपर आरोप लगाए, इवन चले छोड़ो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, खैर तो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो आज का पहला टॉपिक है वो है एफडीआई इनफ्लोज हाईएस्ट एवर एट 83.57 बिलियन। तो भैया बहुत ज्यादा इंडिया में एफडीआई आ रहा है। एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देखिए पहले क्या होता था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इन दोनों के बीच में काफी डिफरेंस हुआ करता था। मतलब जो फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट जो होती थी, फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कह लीजिए या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कह लीजिए, ये इसको माना जाता था जब कोई कंपनी या इंडिविजुअल किसी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, किसी कंपनी के शेयर परचेज करते हैं। एफडीआई को माना जाता था लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि जो उस कंपनी की मैनेजमेंट के अंदर जो एक्टिव रोल प्ले करते हैं। तो एफडीआई जब कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल किसी दूसरे देश की कंपनी में करता है तो वो सिर्फ उसकी स्टॉक परचेज नहीं करता, बल्कि वो उसकी मैनेजमेंट में भी पूरी हिस्सेदारी होती है, डिसीजन मेकिंग में पूरी हिस्सेदारी होती है। वो नई टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करते हैं, वहां पे नए लोगों को जो है नई तरह की मैनेजरियल प्रैक्टिस वगैरह वो सब आती है। एफडीआई बेसिकली थोड़ा सा डीप इन्वेस्टमेंट होता है, डीप होता है और लॉन्ग टर्म होता है। यूजली इंडिया में ये डिस्टिंक्शन था, लेकिन कुछ साल पहले सरकार ने इस डिस्टिंक्शन को हटा दिया, नॉर्मल सा डिस्टिंक्शन बना दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी कंपनी के 10% से कम शेयर परचेज करते हो तो भैया हम उसे बोलेंगे एफआईआई, और अगर आप 10% से ज्यादा करते हो तो उसे हम लोग कहते हैं एफडीआई। यूजली जो कंपनी 10% से ज्यादा शेयर परचेज करती है तो वो डेफिनेटली वहां पे टेक्नोलॉजी लेके आती है, है ना, नया वर्क कल्चर लेके आती है, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर भी होती है, सीधी सी बात है। तो ये इसे कहा जाता है एफडीआई। तो इंडिया में जो है इस समय 2021-22 में हाईएस्ट एवर एफडीआई, इतनी एफडीआई इंडिया में कभी भी नहीं आया। आर्टिकल कहता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो एफडीआई है वो कहां से आता है, वो आता है सिंगापुर से आता है, यूएसए से आता है और मॉरिशियस यूएई वगैरह से आता है, ठीक है, दुबई वगैरह के थ्रू बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है। तो ये जो सारी चीजें होगी एफडीआई के बारे में, बाकी कुछ चीजें आप यहाँ पे डेफिनेटली कर सकते हो कि एफडीआई का भैया मतलब क्या होता है। और एफडीआई के एक्चुअली हमारे यहाँ पे दो रूट होते हैं, दो तरीके से इंडिया में एफडीआई किया जा सकता है। पहला रूट होता है जिसे कहते हैं ऑटोमेटिक रूट। तो ऑटोमेटिक रूट में आपको जैसे नॉन रेजिडेंट इंडियंस होते हैं या फिर जो इंडियन कंपनी होती है, उन आपको किसी भी रिक्वायरमेंट नहीं है परमिशन की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप आइए और कंपनी के अंदर सीधा सा डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो, ना तो आपको आरबीआई की रिक्वायरमेंट है परमिशन की, ना गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है। इसे कहा जाता है ऑटोमेटिक रूट। दूसरा रूट होता है गवर्नमेंट रूट। इसके तहत अगर कोई कंपनी हमारी कंट्री में कुछ सेंसिटिव, अगर कंपनीज के अंदर कुछ सेंसिटिव एरियाज के अंदर अगर वो इन्वेस्ट करती है तो पहले उसको परमिशन लेनी पड़ती है। तो जो हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो फैसिलिटेशन पोर्टल है, पहले आपको वहां पे जाके अप्लाई करना पड़ता है, वहां पे आपको जो है क्लियरेंस मिलता है। क्लियरेंस होने के बाद आपका प्रपोजल कहां जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री के पास जाता है, ठीक है, डीपीआईआईटी जिसको बोला जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है। उसके बाद जो है ये आपके प्रपोजल को स्टडी करते हैं, वहां पे जो है प्रोज एंड कॉन्स उसको स्टडी करते हैं, उसके बाद आपको अप्रूवल देते हैं। इसे कहा जाता है गवर्नमेंट रूट। जैसे मान लो आप समझ लीजिए न्यूज़ प्रिंट, है ना, न्यूज़ प्रिंट एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा होता है। न्यूज़ प्रिंट हो गया आपका, डिफेंस हो गया, केमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह हो गई, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक रूट के थ्रू तो कम इन्वेस्टमेंट आता है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट रूट के थ्रू आता है। तो ये थोड़ा बहुत चीजें आप पढ़ सकते हो। कुछ खास जगह पे आप ये पढ़ सकते हो कि उस सेक्टर के अंदर पर्टिकुलर कितना एफडीआई है, कितना एफडीआई नहीं है, कितना ऑटोमेटिक है, कितना गवर्नमेंट रूट है। थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ना चाहो तो उसके तहत भी आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट जो आर्टिकल दोस्तों हमारे पास रहता है, दैट इज अबाउट द जीएम क्रॉप रिसर्च। जीएम का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड। देखिए हमारे बॉडी के अंदर इस तरह के जीन्स होते हैं जैसे पिक्चर में दिखा रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए ये जो है हमारे जीन्स होते हैं, और हमारी बॉडी में जो जीन्स पाए जाते हैं ना, वो उसके अंदर जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है, जो जीनोम्स होते हैं, मतलब जो डीएनए वगैरह वो सब रहता है, वो इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं। इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जैसे हमारी बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, आपकी आंखों का रंग कैसा होगा, आपकी स्किन का रंग कैसा होगा, आपके हेयर कैसे होंगे, आपकी आईज का कलर कैसा होगा। नॉट ओनली दैट, ये तो ट्रेट्स हो गए, इवन वो डीएनए स्ट्रक्चर आपको ये भी बता सकता है कि आपको कौन सी बीमारी होने के चांसेस हैं, क्या आप कैंसर के लिए कितना ज्यादा प्रोन हो, वो सब चीजें वो बता, बीपी वगैरह वो सारी चीजें आपको बता सकता है। तो डीएनए जो है हमारे बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई क्रॉप है, राइट, और वो क्रॉप के ऊपर जो है बहुत ज्यादा पेस्ट अटैक होते हैं, तो पेस्ट को पसंद है, पेस्ट वहां पे आते हैं, उसको अटैक करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, लेबोरेटरी के अंदर जाते हैं और हमारे जो डीएनए स्ट्रैंड होता है उसमें से उस टिश्यू को,
उस एरिया को, उस सेक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि पेस्ट को अटैक करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको काट देते हैं बीच में से, मतलब उसको आइसोलेट कर देते हैं और उसकी जगह पे कोई और डीएनए जो है उसके अंदर ऐड कर देते हैं जो कि पेस्ट को अट्रैक्ट नहीं करता, जो कि पेस्ट को रिपेल करता है, तो उसके अंदर उसको हम लोग कर देते हैं ऐड। तो ये हो गया हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसे कहते हैं इंजीनियरिंग। इसे हम लोग जो है जीन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, जीन थेरेपी कह सकते हैं, है ना, बायोटेक्नोलॉजी का यूज कह सकते हैं और जेनेटिकली मॉडिफिकेशन भी कह सकते हैं। तो बेसिकली हमारा जो डीएनए था उसके अंदर हम लोग कुछ चीजों को रिमूव करके उसकी जगह दूसरी चीजें डाल देते हैं। जैसे अगर हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो जैसे मान लो वीट था हमारे पास, अब जो हमारे पास रेगुलरली जो हम लोग ट्रेडिशनली यूज करते थे वीट का प्रोडक्ट, उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं थी, ना तो उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन थी, उसके ऊपर अटैक्स भी बहुत ज्यादा होते थे और वो जो है समय भी बहुत लेता था। तो हम लोगों ने क्या किया, उसमें से कुछ हिस्से को काट दिया और उसकी जगह पे हम लोगों ने जो वाइल्ड राइस थी या वाइल्ड वाइट वीट थी उसको ऐड कर दिया, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी एनहेंस हो गई। अब उसकी प्रोडक्शन भी ज्यादा होती है और वो पकने में समय भी कम लग जाती है। इसे कहते हैं जीएम क्रॉप्स, जिसमें हम अपनी रेगुलर क्रॉप्स की प्रॉपर्टी को एनहेंस कर देते हैं। और वो कई तरीके से एनहेंस कर सकते हैं, या तो उसकी ओवरऑल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए या फिर जो है जो डिसीज वगैरह होते हैं उसको कम करने के लिए। तो दोस्तों इन्हें कहा जाता है जीएम क्रॉप्स। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है दैट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर प्लांट्स हुज डीएनए हैज बीन मॉडिफाइड टू इंट्रोड्यूस यूजफुल ट्रेट्स सच एज हाई यील्ड, पेस्ट रेजिस्टेंस, न्यूट्रिशन प्रोफाइल एंड द फ्लेवर। फ्लेवर वगैरह को इंप्रूव करने के लिए किया जा सकता है, तो इसे कहते हैं जीएम क्रॉप। जो सबसे फेमस टेक्नोलॉजी है जीएम क्रॉप को, यानी कि जीन्स को मॉडिफाई करने की, उसे कहा जाता है क्रिस्पर या फिर कैस नाइन। यूपीएससी प्रीलिम्स में ऑलरेडी यह सवाल पूछा जा चुका है। बहुत ज्यादा पॉपुलर टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी ने बेसिकली आने वाले समय में पूरी दुनिया चेंज कर सकती है। एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा डिजाइनर बेबी, क्योंकि हमें पता है ना कि हमारे जो ट्रेड्स होते हैं, हमारे जो प्रॉपर्टीज होती हैं, हमारी हाइट, हमारी इंटेलिजेंस, वो सारी चीजें की, हमारे जो लुक्स, बालों का कलर, हेयर का कलर, स्किन का कलर, हमारी हेल्थ, वो सब हमारे डीएनए से डिसाइड होती है। तो क्रिस्पर जो टेक्नोलॉजी है ना, वो हमारे हार्मफुल डीएनए को हमारे पेट में ही उनको रिमूव करके उसको हेल्दी डीएनए से रिप्लेस कर सकती है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइनर बेबी। तो आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, जब बच्चा निकलेगा पेट से, उसकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी होंगी कि भैया इसका हाइट कैसा होगा, इसकी बोन डेंसिटी कैसी होगी, इसकी आंखों का रंग कैसा होगा, ये इसका इंटेलिजेंस कैसा होगा। इसे कहते हैं डिजाइनर बेबी। तो ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी बहुत ही लैंडमार्क और एक कुछ लोग तो एक्सपर्ट ये भी बोलते हैं कि ये एक्चुअली भगवान का जो फॉर्मूला बनाया है लाइफ का, उसको डिकोड कर दिया गया है बाय दिस क्रिस्पर 9 टेक्नोलॉजी। तो बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। इंडिया के अंदर जो जीएम क्रॉप्स की हम लोग बात करते हैं, सिर्फ अभी तक सिर्फ जीएम जो है कॉटन का यूज किया जाता है, जिसे हम लोग बीटी कॉटन कहते हैं, है ना। फूड में अभी तक हम लोगों ने कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का यूज नहीं किया। हालांकि बीटी ब्रिंजल वगैरह के एक्सपेरिमेंट हमारे यहाँ पे हुए हैं, लेकिन उसको सरकार ने मंजूरी नहीं दिया है। बीटी राइस, बीटी ब्रिंजल वगैरह, उसको हम लोगों ने वो परमिशन नहीं दिया है। तो होता क्या है कि अगर कोई एक्सपर्ट, कोई इंजीनियर, कोई रिसर्चर अगर वो इंडिया में करना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, तो उसको पहले अप्रूवल लेना पड़ता है। तो सरकार ने क्या किया, उन रूल्स को अभी थोड़ा सा ढीला कर दिया है। तो नई गाइडलाइन सेफ्टी असेसमेंट ऑफ द जीनोम एडिटिंग प्लांट 2002, तो इन गाइडलाइंस के तहत अगर कोई रिसर्चर अगर वो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी से मॉडिफाई करना चाहता है किसी जीनोम को, किसी प्लांट को, तो उसके लिए उसको अभी बहुत स्ट्रॉन्ग अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अप्रूवल कहां से लिया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, इससे अप्रूवल लिया जाता है। इसके बाद अगर वो अप्रूव कर देती है तो पूरे का पूरा मामला कहां जाता है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के पास जाता है। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के बाद वहां की स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। जब उसको परमिशन मिलता है तो तब वो रिसर्चर उसको लेबोरेटरी में जाके मॉडिफाई कर सकता है। तो ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो टेक्नोलॉजी है, जीएम वगैरह जिसको हम लोग बोलते हैं, ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल भी है और इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी है। तो वो आप अपने उससे पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हो। अगर आप जो है क्वेश्चन लिखना चाहो तो यहाँ पे देखिए, मतलब आपके खुद के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए बोल रहा हूँ। तो जीएम क्रॉप्स का मैकेनिज्म वगैरह थोड़ा बहुत हम लोगों ने आपको बता ही दिया, उसके जो है बेनिफिट्स और उसके ड्रॉबैक्स, ठीक है। और इंडिया में फिलहाल क्या सिनेरियो है, ये जो है आप अपने जो है उसको डेफिनेटली पढ़ सकते हो। मेंस में बहुत हेल्प करेगा ये क्वेश्चन आपका, क्योंकि साइंस एंड टेक वाले पोर्शन से, बायोटेक्नोलॉजी से काफी सारे क्वेश्चन पूछ लेता है वो। चलिए नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारे पास है वो है सेंटर एग्जीक्यूट्स टू ऑर्डर्स ऑफ द जीएनके डिलिमिटेशन कमीशन।
तो ये डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में ऑलरेडी हम लोग काफी बात कर चुके हैं। इंडिया का जो आर्टिकल 82 है हमारा, वो डिलिमिटेशन एक्ट की बात करता है। आर्टिकल 170 जो है वो टेरिटरी को डिवाइड करने की बात करता है। डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, हमारे जो स्टेट जो लेजिस्लेचर होते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेचर होते हैं, उनकी बाउंड्री को यू नो अकॉर्डिंग टू सेंसस डिवाइड करने के काम आता है। ये सारी की सारी फैक्चुअल टाइप की चीजें हम लोग पहले खूब कर चुके हैं, तो इसमें नया कुछ भी नहीं है। कंपोजिशन क्या होती है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, फंक्शन वगैरह सब ये हम लोग कर चुके हैं। तो J&K के लिए सरकार ने भी, क्योंकि 370 हटाने के बाद J&K में जो है डिलिमिटेशन कमीशन बनाया था और उसने कई सारी रिकमेंडेशन वहां पे दी थी। फाइनली सरकार ने उसकी दो रिकमेंडेशन को मान लिया है, जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो पहला रिकमेंडेशन तो सरकार ने यही माना है कि भैया आपने जो टेरिटरी का चेंजेस किया है, देखिए पहले टोटल जो है 83 सीट्स हुआ करती थी, अभी इन्होंने 90 सीट्स कर दिया है। तो पहली रिकमेंडेशन तो उन्होंने ये मान ली है। तो 6 रिकमेंडेशन बेसिकली उन्होंने दिया था मोटे मोटे तौर पर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो पहले तो जो है सीट्स को बढ़ा दिया गया, 43 से 47 कर दिया गया, राइट। जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर सिर्फ एक सीट बढ़ाई गई थी, वो सारी चीजें हैं। बाकी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को भी यहाँ पे रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी। उसके अलावा जो कश्मीरी पंडित हैं उनको भी नॉमिनेट करने की बात कही गई थी। तो कई सारे रिकमेंडेशन दिया है, धीरे धीरे करके सरकार शायद इनको सबको मान लेगी, लेकिन फिलहाल तो दो रिकमेंडेशन को मान लिया गया, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अब यूपीएससी के परस्पेक्टिव से डिलिमिटेशन कमीशन इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है वो J&K के लिए स्पेशल क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन ओवरऑल डिलिमिटेशन कमीशन के लिए पूछ सकता है। लक्ष्मीकांत के अंदर भी बहुत अच्छे से टॉपिक कवर किया गया है, आप उसको वहां पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज की एडिटोरियल की, लेकिन आज के एडिटोरियल पे आगे जाने से पहले मेंस का हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है। मेंस का क्वेश्चन क्या कहता है, क्लियरली आपके सामने देख सकते हो। इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज बीन गोइंग थ्रू मेनी टर्मोइल्स फॉर सम टाइम, डिस्कस द रोल ऑफ इंडिया इन दिस प्रेजेंट सिचुएशन एज अ मेजर इकोनॉमी इन द रीजन। देखना है यहाँ पे हम लोगों ने क्या कीवर्ड के ऊपर फोकस करना है। कीवर्ड मतलब कौन कौन से हैं, देखिए पहले तो हम लोगों ने बात करनी है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, सो मतलब हम लोगों ने वर्ल्ड की बात नहीं करनी है, हमारा आंसर सब कॉन्टिनेंट के ऊपर फोकस होना चाहिए। दूसरी बात, वो टर्मोइल की बात करता है, तो कई सारे टर्मोइल हैं। नेपाल के अंदर अलग से टर्मोइल चल रहा है, श्रीलंका के अंदर तो चल ही रहा है, राइट। उधर से जो है पाकिस्तान के अंदर टर्मोइल चल ही रहा है, म्यांमार के अंदर जो है मिलिट्री कूप हो गया है, तो कई सारे टर्मोइल की बात कर रहा है जिसे हम लोग अपने आंसर के अंदर मेंशन करेंगे। उसके अलावा बात करता है कि इंडिया का यहाँ पे क्या रोल हो सकता है, लेकिन आपने फोकस करना है ये मेजर इकोनॉमी, मतलब वो इंडिया का जो रोल है वहां पे फाइनेंशियल और इकोनॉमिक रोल की ज्यादा बात कर रहा है, तो स्ट्रेटेजिक रोल के बारे में यहाँ पे बहुत कम लिखोगे, डिफेंस वगैरह वो सब है ना। दूसरा कहता है कि ऑल्सो मेंशन सम लेसंस दैट इंडिया कैन लर्न फ्रॉम द हैपनिंग्स इन द नेबर्स, तो आपको कुछ लेसंस बताने हैं हम जो यहाँ पे ले सकते हैं। तो एक बढ़िया क्वेश्चन है 250 वर्ड में, इसलिए दिया है मैंने, क्योंकि आपको वर्ड लिमिट चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी फ्रेशर हो, आपने आंसर लिखने शुरू किए हैं, तो डोंट जस्ट गो फॉर द क्वालिटी, जस्ट आंसर लिखिए। और आंसर आप कहाँ पे दे सकते हो, fcdoubts@prep.in है ना, ये आपको पहले से पता ही है, आप यहाँ पे जाके अपने आंसर सबमिट करवा सकते हो, हम आपके आंसर को इवैल्यूएट करके आपको भेज देंगे, तो आप उसमें भी देख सकते हो सारी चीजें, ठीक है, कुछ रिकमेंडेशन रिमार्क्स वगैरह देख सकते हो आप कैसे करते हैं। खैर बढ़ते हैं, तो ये है आज का एडिटोरियल, और इसको लिखने वाली कौन है, सुहासिनी हैदर जी हैं, और द हिंदू में एक बहुत समय से जर्नलिस्ट रही हैं, टाइम टू टाइम आर्टिकल भी लिखती हैं, टाइम टू टाइम एडिटोरियल भी लिखती हैं। और मतलब वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो सुब्रमण्य स्वामी जी हैं ये उनकी एक्चुअली सुपुत्री हैं, उनकी डॉटर हैं ये। एनीवेज तो क्या है पूरा मामला देखिए, कहता है तो पहली लाइन में लिखा हुआ है चेंज इन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, मतलब पिछले कुछ सालों में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी चेंज हुई है, स्पेशली 2016 से लेकर 2019 और आफ्टर 2019 इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में काफी चेंज आए हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि 2016-2019 के बीच में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थोड़ी सी कैसी रही थी, मैं बोलूं कि डोमिनेंट रही थी, डोमिनेंट इन द सेंस कि हम लोगों ने अपने नेबरिंग कंट्री के अंदर काफी इंटरफेयर किया था, नेपाल के अंदर भी किया, श्रीलंका के अंदर भी किया, म्यांमार के अंदर भी किया, भूटान के अंदर भी किया इवन हम लोगों ने, तो इंडिया का रिलेशन काफी बिगड़ गया था अपने पड़ोसियों के साथ। नेपाल के साथ काला पानी वाला इशू हुआ, श्रीलंका में तो इशू चलते ही रहते हैं बहुत सारे, है ना, पाकिस्तान ने भी हमारे ऊपर खूब सारा ब्लेम करा दिया, म्यांमार के साथ भी रिश्ते हमारे बिगड़ने शुरू हो गए थे, म्यांमार भी चाइना के क्लोज जा रहा था, वो थोड़ा सा हम लोग एक्चुअली अपनी डोमिनेंस पावर दिखाना चाहते थे कि यस हम आपकी पॉलिसीज को इनफैक्ट इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन 2019 के बाद इंडिया ने इस बात को समझा कि आप बड़े देश जरूर हो लेकिन उनकी अपनी सॉवरेनिटी है, अगर आप उनके इंटरनल मामलों में दखल दोगे तो फिर वो आपके अगेंस्ट में हो जाएंगे, जिसका फायदा चाइना उठा सकता है। तो 2019 के बाद एक्चुअली इंडिया ने अपने स्टैंड के अंदर चेंज किया।
ठीक है, तो अभी इंडिया थोड़ा सा अकोमोडेटिव हो गया, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे नेपाल हो, तो हमारे के देखिए टर्मोइल तो चल रहा है, बहुत टर्मोइल चल रहा है। हमारी आस पड़ोस के 5 पड़ोसी देशों के अंदर जो कि नाम से तो डेमोक्रेसी है, लेकिन वहां पे उनकी सरकारें बदल गई हैं विदाउट एनी इलेक्शन। देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, सबको देख लिया। श्रीलंका में क्या हो रहा है, आपको पता ही है। म्यांमार में जो है मिलिट्री कूप हुआ। नेपाल के अंदर आपको पता है कि वहां के सुप्रीम कोर्ट ने मोली जो ओली केपीएस ओली उनको हटा दिया, तो देवबुआ जी बन गए हैं। काफी ज्यादा टर्मोइल चल रहा है हमारे आस पड़ोस में, है ना। बांग्लादेश के अंदर आपको पता ही है वो सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन कहीं पे भी इलेक्शन नहीं हुए। इलेक्शन के बिना ही चीजें चेंज हो गई, लेकिन इंडिया को कहीं पे भी ब्लेम नहीं किया जा रहा है। अगर आप हिस्ट्री को देखो इंडिया की 2014-2015 के बाद से देखो, तो आपको एक चीज नजर आएगी कि हमारे पड़ोस में कुछ भी होता था ना, वो लोग इंडिया को ब्लेम करते थे, चाहे आप मालदीव का नाम भी ले लो बेशक यहाँ पे। लेकिन अभी जो रिसेंटली चीजें हो रही है ना भैया, इंडिया को वहां पे कोई ब्लेम नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां पे जो हो रहा है ना वहां के इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से हो रहा है। ये इसीलिए भी हुआ क्योंकि इंडिया ने अभी वहां के इंटरनल मैटर से थोड़ी सी दूरी बना ली है। सो गवर्नमेंट हैज अबैंडन्ड इट्स यूनिफॉर्मली मस्कुलर वन साइज फिट ऑल अप्रोच। तो इंडिया ने बेसिकली अपनी जो मस्कुलर पॉलिसी थी उसको अभी थोड़ा सा चेंज किया, जिसकी वजह से चेंजेस यहां पे आए हैं। न्यू दिल्ली'स मैसेजिंग नाउ इज फोकस्ड ऑन द पीपल इन द नेबर रादर देन जस्ट दोज इन द पावर। देखिए श्रीलंका वाले जब अभी केस हुआ था तो इंडिया ने स्टेटमेंट दिया था कि हम वहां के लोगों के साथ खड़े हैं। इंडिया ने ये नहीं कहा था कि हम वहां पे राजपक्षा के साथ खड़े हैं। तो ये भी इंडिया के अप्रोच के अंदर जो है चेंजेस आए हैं। पहले हम लोग क्या करते थे, सरकारों के साथ खड़े होते थे जो वहां पे पावर में होती थी। इस बार इंडिया ने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग लोगों के साथ खड़े होंगे। इवन अफगानिस्तान के अंदर आप देख लीजिए, अफगानिस्तान के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, उसके बावजूद भी हम लोगों ने पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट करके 50,000 मिलियन टन वीट अफगान के लोगों के लिए भेजा। सरकार के लिए नहीं भेजा है, लोगों के लिए भेजा है। तो अभी हमारी जो अप्रोच है ना, एक्चुअली वो पीपल सेंट्रिक हो गई है, जो कि बहुत बढ़िया चीज है। इंडिया ने अपना स्टैंड चेंज किया, इंडिया ने मान लिया है कि हम लोग भैया बड़ी पावर जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको डोमिनेट कर सकते हैं। ये इंडिया के स्टैंड आया है, थोड़ा चेंज आया है रोल ऑफ। अगर मैं इस बात को थोड़ा एक्सपेंड करना चाहूं तो एक और आपको मैं बात बता सकता हूं। जैसे FTA फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात करते हैं, जब ये सरकार नई नई पावर में आई थी तो ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट में थी और कई सारे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट और रीजनल ग्रुपिंग से बाहर भी निकल गए थे। लेकिन अभी लेटर ऑन अभी सरकार ने रियलाइज किया कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एक्चुअली इतने बुरे नहीं है, अच्छे हैं। इसीलिए अभी हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ, UAE के साथ जो है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हम लोगों ने किया है, और यूरोपियन यूनियन वगैरह के साथ करने के लिए पूरी तरह से एकदम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए यही चीजें तो लर्निंग होती है ना, हम लोग कुछ स्टेप लेते हैं, फिर वहां से कुछ गलतियां हमारे से होती हैं, फिर हम लोग सीखते हैं, आने वाले समय में फिर हम कुछ इंप्रूवमेंट करते हैं। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, है ना। यही तो ब्यूटी होती है डेमोक्रेसी की, वी लर्न फ्रॉम आवर ओन गलतियां, है ना। खैर, रोल ऑफ इंडिया एंड द लेसंस टू लर्न, क्या हो सकता है यहाँ पे देखिए। इंडिया कैन नॉट रिमेन न्यूट्रल इन द इंडियन ओशन। देखिए रशिया यूक्रेन के केस में न्यूट्रल होना बनता है, वहां पे चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंडियन ओशन के अंदर हम लोग न्यूट्रल नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पड़ोस में जो भी होता है वो हमें डायरेक्ट इंपैक्ट करता है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते हाँ भैया जी आपके घर में जो कुछ हो रहा है होने दीजिए, नहीं भैया हमें इंपैक्ट करता है, हमें वो फाइनेंशियली भी इंपैक्ट करता है, और रिफ्यूजी भी हमारे यहाँ पे माइग्रेंट्स भी आते हैं। तो इसीलिए इंडिया चुप नहीं रह सकता। इंडिया को यहाँ पे एक चीज यहाँ पे सीखने की जरूरत है कि पॉपुलिज्म डज नॉट पे इन द लॉन्ग रन। पॉपुलिज्म का मतलब आप यहां पे कह सकते हो मेजोरिटी। तो सरकारें क्या करती हैं, देखो श्रीलंका के अंदर ऐसा ही हुआ था। श्रीलंका के अंदर जो राजपक्षे भाई साहब थे वो क्या करते थे, वो तमिल्स को कंप्लीटली इग्नोर करते थे, मुस्लिम्स को कंप्लीटली इग्नोर करते थे, माइनॉरिटीज को कंप्लीटली इग्नोर करते थे। उनका एकमात्र फोकस रहता था तमिल पीपल, मतलब सिनहलीज लोग। देखिए क्या नजारा हुआ, रायट्स हुए, और आज उसी मेजोरिटी ने जो है उनके घर को आग लगा दिया। ऐसा ही नेपाल के अंदर भी हुआ, ऐसा ही अफगानिस्तान के अंदर भी हुआ, ऐसा ही इवन म्यांमार के अंदर भी हुआ। वहां पे भी माइनॉरिटीज को इग्नोर किया गया, उनको मारा पीटा गया। तो पॉपुलिज्म यानी कि मेजोरिटी रूल, मेजोरिटी को खुश रख के अगर आप ये सोचते हो कि आपकी सरकार स्टेबल रह जाएगी, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। तो इंडिया को ये सीखना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो माइनॉरिटीज हैं, दूसरे एथनिक ग्रुप हैं, अपोजिशन है, उसका भी ध्यान रखना की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरी बात, पॉपुलैरिटी ऑफ अ लीडर कैन डिक्लाइन शार्पली एंड सडनली फॉर वन और द कॉम्बिनेशन ऑफ द रीजंस। अगर कोई ये लीडर समझता है कि भैया मेजोरिटी लोग उसको सपोर्ट करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं, तो वो जय जयकार जो है वो सेकंडों में मिनटों में धुआं हो सकती है। अब राजपक्षा को देख लीजिए, राजपक्षा इतने ज्यादा पॉपुलर थे श्रीलंका के अंदर, लोग उनके घरों में मूर्तियां रखते थे, उनकी पूजा करते थे, लोग अपनी बॉडी के ऊपर राजपक्षा के टैटू बनवाया करते थे, मतलब बहुत ही बड़े
भक्त हुआ करते थे राजपक्षा के, आज वही लोग राजपक्षा के घुस घर में घुस के उसकी आग लगा रहे हैं। तो पॉपुलर लीडर को ये नहीं समझना चाहिए भैया कि आप हमेशा रहोगे। पॉपुलर लीडर जो है तब तक पॉपुलर है जब तक लोग उसको पॉपुलर बना के रखते हैं। अगर आप ऐसी पॉलिसी करोगे जो कि बाद में उन्हीं को हर्ट करने वाली है, तो भैया वही लोग आपके सर के ऊपर भी चढ़ सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमी मैटर्स द मोस्ट, रिलीजन एथनिक सेंसिटिविटी वो अपनी जगह है, लेकिन इकोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। लोगों के पेट में अगर खाना होगा, लोगों के घर में अगर अनाज होगा, लोगों के पास अगर काम होगा, धंधा होगा, जॉब होगा, महंगाई नहीं होगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ये चीजें अगर नहीं होती हैं, लोगों का पेट खाली होता है, तो उनको फिर रिलीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर उनको एथनिक आइडेंटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा इस एडिटोरियल का मानना है, जो कि काफी हद तक सही भी है, है ना। तो इन्होंने यही कहा कि भैया जो न्यू दिल्ली है उसको ये सारी चीजें सीखनी चाहिए, हमारे नेबरहुड में क्या हो रहा है वो सारी की सारी चीजें होनी चाहिए, और समय टाइम टू टाइम हम लोग उनकी हेल्प भी कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पे कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे बीमस्टेक है, सार्क है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द नेपाल है, ये इनको भी थोड़ा सा और ज्यादा मजबूत यहाँ पे किया जा सकता है। इवन एशियान ग्रुप के साथ हम लोग और ज्यादा यहाँ पे चीजें कर सकते हैं। कंसेंसस बनाने की जरूरत है। जैसे मान लो कंसेंसस का एग्जांपल हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे श्रीलंका का एग्जांपल दे सकते हैं। अब श्रीलंका में जो है राजपक्षे की जो गवर्नमेंट है, अब राजपक्षे की गवर्नमेंट जब भी कोई डिसीजन लेती थी तो वहां पे मुस्लिम्स को, तमिल को पूरी तरह से इग्नोर कर देती थी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए भैया, अपोजिशन को भी रिस्पेक्ट दीजिए, जो दूसरे ग्रुप्स हैं उनको भी रिस्पेक्ट दीजिए, ऐसा इंडिया भी समझ सकता है। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है कि हम लोग सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हम लोगों ने, सरकार लोगों ने हम लोगों को चुना है तो दूसरों को इग्नोर कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ लेसन जो है इंडिया से डेफिनेटली सीख सकता है, सीखने भी चाहिए। अब हमेशा खुद गलती करके लेसन सीखोगे वो तो ठीक नहीं है ना, उसमें तो पूरी उम्र निकल जाएगी आपकी। पहले गलतियां करो फिर सीखो, बहुत बार दूसरों की गलतियों से भी सीखना जरूरी होता है ना। चलिए, तो टॉकिंग पीस नेगोशिएशन विद द माओइस्ट एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं भी, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी के परस्पेक्टिव से, इंटरनल सिक्योरिटी में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और नक्सलिज्म में बहुत बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के अंदर वो मजेदार चीज नहीं जिसकी मैं एक्सपेक्टेशन एक्चुअली कर रहा था। फिर भी देख लेते हैं क्या पूरी बात है। तो जो है आर के विज जो है इसको लिखने वाले हैं, और आर के विज जी जो है वो फॉर्मर स्पेशल डीजीपी रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, और ये न्यूज भी एक्चुअली छत्तीसगढ़ से ही आती है, और छत्तीसगढ़ जो है बहुत ज्यादा पीड़ित भी है नक्सलिज्म वगैरह से, तो डेफिनेटली फर्स्ट हैंड इनका एक्सपीरियंस भी है। तो इनके एक्सपीरियंस की बेसिकली मैं इसीलिए एडिटोरियल कर रहा हूँ। तो न्यूज में क्यों है, तो न्यूज में इसीलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ के सीएम जो है अभी, उन्होंने नक्सलाइट लोगों को यह कहा है कि भैया अगर आप हथियार छोड़ दोगे और अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बिलीव करोगे तो हम आपके साथ पीस टॉक्स कर सकते हैं, आपके साथ नेगोशिएशन कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने उनको ऑफर दिया है बेसिकली। ठीक है, इस ऑफर के बदले में उनका क्या रिस्पॉन्स रहा, उन्होंने कहा कि देखो जब तक आप पीसा यानी कि प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, तो एक्चुअली छत्तीसगढ़ के अंदर इसके कई सारे प्रोविजंस को अप्लाई नहीं किया जाता है। तो उन्होंने कहा पहले तो आप ये अप्लाई कीजिए जिसके अंदर वहां पे पंचायतों को जो है ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर दी जाती है, वहां के रिसोर्सेज टैक्सेस वगैरह उसके अंदर। तो उन्होंने कहा पहले तो ये करिए, इसके बिना हम आपके साथ नेगोशिएशन नहीं करेंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि वहां पे कुछ माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके ऊपर सरकार ने बैन लगा रखा है, तो उन्होंने कहा पहले अब इस बैन को लिफ्ट करिए तब हम आपके साथ बातचीत करेंगे। तीसरी बात, उन्होंने कहा कि कुछ जो वहां पे कैंप्स वगैरह हैं वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस वाले जो है हमेशा खड़े रहते हैं, तैनात रहते हैं, तो सिक्योरिटी फोर्सेस को वापस करिए तब हम लोग बातचीत कर सकते हैं। चौथी चीज उन्होंने ये बोली कि जो वहां पे उनके लीडर्स जो जेल में बंद हैं कई सालों से, है ना, उनको छोड़िए, और आर्म्ड फोर्सेस हैं जैसे सीआरपीएफ वगैरह है उनको पीछे लीजिए। तो ये कुछ उनकी डिमांड है बेसिकली, अगर आप हमारी ये डिमांड फुलफिल करोगे फिर तो हम आपके साथ बातचीत कर सकते हैं, अदरवाइज भूल जाइए हम आपके साथ बात नहीं करेंगे, उन्होंने ये कहा। तो क्या ये ऑफर पहली बार दिया गया उनको, ऐसा भी नहीं है, पहले भी बहुत बार पीस को लेके कई सारे जो है बातें कही गई हैं। 2004-2009 में खासकर आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो काफी ज्यादा बातचीत हुआ था। इवन जब चिदंबरम जी होम मिनिस्टर थे तो उन्होंने भी कई सारी बातचीत करने की कोशिश किया था इनके साथ, लेकिन वो बातचीत लगभग जो है वो अनफिट रही, मतलब अनफिट इन द सेंस वो फेल रही। जैसे आंध्र प्रदेश के अंदर 2004 के अंदर एक्चुअली कुछ समय के लिए उन पॉलिटिकल पार्टी से बैन को अपलिफ्ट भी कर दिया था, लेकिन लिफ्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी जो है उन वो हरकतों से बाज नहीं आए। और एक्चुअली जब सरकार ने उस बैन को हटाया तो उसकी वजह से उन्होंने और फायदा उठाया, उन्होंने फंड वगैरह इकट्ठे किए और सरकारी तंत्र के ऊपर और ज्यादा उन्होंने अटैक किए। तो सरकार इसलिए जो है बोलते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो कुछ कुछ ऐसा ही समझ लीजिए आप यहाँ पे।
और ये सारी चीजें हैं। और उनकी एक और डिमांड थी, उनकी ये डिमांड थी कि आप वहां पे प्रॉपर तरीके से लैंड सीलिंग कीजिए, और जहां पे लैंडलेस लोग हैं जिनके पास जमीन वगैरह नहीं है आप उनको कुछ ना कुछ जमीन भी दीजिए। तो ये कुछ डिमांड थी और जिसके बेसिस पे जो सरकार ने उनको फुलफिल नहीं कर पाई और फाइनली वो जो डिस्कशन था वो पूरी तरह से फेल रहा। तो वही सारी की सारी चीजें हैं, आज भी चीजें बदली नहीं है, आज भी उनकी वही डिमांड है, सरकार की अपनी डिमांड है, वो सारी की सारी चीजें हैं। लेकिन इंडिया जो है अभी सरकार जो है क्या रिस्पॉन्स यहाँ पे कर सकती है, देखिये पहले तो इस आर्टिकल का ये मानना है कि सरकार अभी रिस्क नहीं ले सकती कि भैया हम लोग आपसे बात करने से पहले सिक्योरिटी को हटाएंगे, तो वो रिस्क सरकार नहीं ले सकती है क्योंकि पहले सरकार ये रिस्क लेके देख चुकी है जिसका नतीजा भी हम लोगों ने भुगत चुके हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, हम लोग बातचीत करने से पहले उनके लीडर्स को जेल से भी नहीं छोड़ सकते, ये भी एक आप ये समझ लीजिए कि सरकार ये नहीं कर सकती है। तो इसके अलावा भैया अगर आप बात करना चाहो तो आप कर सकते हो। हाँ, कुछ हद तक आपके जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके ऊपर जो हमने बैन लगा रखा है वो हटा सकते हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आपका बिहेवियर अच्छा रहता है और अगर आप हथियार छोड़ते हो तो हाँ हम बाकी चीजें भी फिर धीरे धीरे कर सकते हैं। लेकिन आप इनिशियली ये कहोगे नहीं पहले ये सारी चीजें करो तब मैं जो है टेबल पे आऊंगा बातचीत करने के लिए, वो तो ठीक नहीं है। तो इन्होंने बेसिकली कुछ कुछ बातें यहाँ पे कही हैं, और क्योंकि छत्तीसगढ़ की न्यूज है, छत्तीसगढ़ के GDP DGP भी रहे हैं, तो डेफिनेटली इन्होंने जो बात बोली है तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के साथ ही बोली है। तो वो सारी सारी चीजें हैं, आप इस आर्टिकल को थोड़ा बहुत देख सकते हो कि व्हाई डिस्कस द रीजंस, आप ऐसा लिख सकते हो अगर आपको एक क्वेश्चन लिखना है दैट डिस्कस द रीजंस बिहाइंड द फेल्ड पीस टॉक्स बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द नक्सलाइट ग्रुप्स और द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ग्रुप्स एंड व्हाट शुड बी द प्रॉपर स्टेप्स सो दैट दीज पीस प्रोसेस कैन बी एनहेंस्ड। इस तरह का क्वेश्चन आप एक आराम से लिख सकते हो और कहाँ पे आपको सबमिट करवाना है वो आपको पता ही है। ठीक है, तो यही था दोस्तों आज के आर्टिकल। एक्चुअली नंबर ऑफ आर्टिकल काफी कम थे लेकिन इसलिए आज मैंने दो एडिटोरियल यहाँ पे डाल दिया आपके लिए। खैर और तो यहाँ पे कुछ है नहीं, लेकिन जो स्टूडेंट अभी 2022 के लिए अटेम्प्ट दे रहे हैं, देखिए फाउंडेशन कोर्स में तभी एडमिशन नहीं हो पाएगा, उसकी डेट चली गई है। प्रीलिम्स के बाद जो फाउंडेशन कोर्स लॉन्च होगा वहां पे आप जाके कर सकते हो। ठीक है, लेकिन करंट अफेयर का प्रोग्राम हम लोगों ने चलाया हुआ है, करंट अफेयर आप डेफिनेटली कर सकते हो। सैटरडे को यहाँ पे इसकी लाइव क्लासेस होती हैं, अगर जो बच्चा लाइव क्लास नहीं कर पाते हैं उसको वीडियो हम लोग रिकॉर्डेड भी देते हैं तो वो भी आप ले सकते हो। सिर्फ 7900 हम लोगों ने इसका फीस रखा है और 2023 के मेंस तक ये वैलिड रहेगा। मंथली मैगजीन आपको मिलेगा, वीकली कंटेंट आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगी, मतलब किसी चीज की कमी नहीं रहने वाली है, क्योंकि आपको पता है करंट अफेयर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।